सो अभी फ़िलहाल गैस आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो दीवारें हैं बिल्कुल प्लेन है सारी, एंड ऊपर सीलिंग के अंदर भी लाइटें वगैरह नहीं लगी हुई हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्टिंग करेंगे लाइटें लगाने से। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है शाम के 8:15, और ये लाइटें जो हैं वो सारी ले आया आज मार्केट जाके गंगानगर से। तो एक तो मैंने ऑलरेडी उधर लगा रखी, वो जल रही है, बाकी 5 लाइटें अभी फिट करेंगे और उसके बाद कमरे में पूरी भरपूर रोशनी होगी। उसके बाद सबसे पहले ये जो वॉल है इसके ऊपर फ़ोटोज़ वगैरह लगाएंगे। फ़ोटोज़ मैं कल प्रिंट निकाल लिया था मैंने, और डिज़ाइनिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह सारा कुछ मैंने अपने हाथ से ही किया है, और प्रिंटिंग भी मैं खुद ही करके लाया हूँ। तो एक बार आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ थोड़ी। मैं A4 साइज़ पे मैंने ये निकाली है, सारी फ़ोटो हैं, लगभग 12-13 फ़ोटो हैं, ये सारी अपने यहाँ पे लगाएंगे इस सामने वाली दीवार पे। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले लाइटों से, तो लाइटों को अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। लाइटें अभी हमने निकाल ली, अनबॉक्स कर ली हैं पांचों की पांचों। सो करते हैं अब इनको फिट। सो हे व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग RC17 व्लॉग्स। सो गाइज फाइनली कल रात को लाइटें लगा ली थी हमने 10 बजे तक, बट एक सीन ये हो गया कि एक जो लाइट है ये ख़राब निकल गई, तो इसको चेंज करवाएंगे और फिर लगाएंगे। बाकी लग चुकी है 5 की 5, 6 लाइटें थी टोटल। ये इस कॉर्नर के अंदर जो लगानी थी वो ख़राब निकल गई, तो वो लगाने वाली है। और आपको लग रहा होगा काफ़ी इजी काम था, तो ऐसा था नहीं, क्योंकि मैं दिखाता हूँ कमरे में, कह सकते हैं आप पूरा कचरा भरा पड़ा है। अब इसको सारे को क्लियर करना है। ये टेबल की हालात देखिए, और इधर पूरा कचरा बिखरा पड़ा है। और लाइटें मैं एक बार दिखाता हूँ, एक ये री ये री ये री उस कॉर्नर वाली जो है वो रह रही है अपनी लगाने वाली, पर उसे लगा लेंगे, एक ये री और एक ये री। आज फ्राइडे है तो सैटरडे तक काम कंप्लीट करना है। फ्राइडे सैटरडे यानी 2 दिन और रहे हैं अपने पास, तो 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। उसके बाद संडे को पूरा दिन वीडियो एडिट करेंगे और शाम को 6 बजे वीडियो को अपलोड करेंगे। सो फटाफट से कर लेते हैं शुरुआत। सो अभी किया साफ सफाई, ये भी ज़रूरी था, इतना कचरा निकला है। तो जितना भी छत से जड़ा था लाइटें लगाते टाइम वो उसको साफ़ कर लिया। मेरी हैबिट है कि मैं जो भी वर्क करता हूँ तो जो वर्क स्पेस है वो साफ़ होना चाहिए अच्छे से, तो इसलिए अभी फर्श पे थोड़ा काम करेंगे। तो इतना कचरा फैला हुआ था तो मैंने झाड़ू खुद लगा लिया, और अब करते हैं आगे की एक्टिविटीज़। सो फिलहाल गाइज अभी मैं ये जो पाइप्स देख रहे हैं आप, ये न्यूज़पेपर से ये बना रहा था सेपरेट सेपरेट, ऐसी लगभग 120 पाइपें बनानी है मेरे को, और आधी मैंने बना ली है। तो इनसे क्या करेंगे, फोटो फ्रेम बनाएंगे। वैसे फोटो फ्रेम लाने को तो अपन मार्केट से भी ला सकते थे, बट जो ये वाला बनने वाला है ये बिल्कुल यूनिक होगा, ऐसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा, और साथ में सेटिस्फिकेशन ये रहेगा कि अपन ने खुद ने सारा काम अपने हाथ से किया है। हाँ, मैं थोड़ा सा पानी लगा के इस तरफ, और इसको फिर कर देंगे रोल। और लास्ट में ये जो एंड है इसको हम फेविकोल से कर देंगे सील, जिससे कि ये दोबारा ओपन ना हो पाए। तो ये हमारा एक और पाइप इस तरीके से तैयार हो गया। और लास्ट में जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें करना क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर रखे हैं इस तरीके से, तीन तीन पाइप का हमें पेयर बनाना है। जैसे हमने ये तीन का पेयर बनाया इस तरीके से, और एक हमने कोई सा भी टेप ले लेना है, मेरे पास यहाँ पे पेपर टेप है, ये क्राफ्टिंग टेप बोलते हैं इसको, आप कोई भी टेप यूज कर सकते हैं। इससे आपको करना ही है सिंपली है कि ये जो इसके एंड है को यहाँ से एक तरफ से ऐसे तीनों को इकट्ठा करके इनको सील करना है, ऐसे ही दूसरी तरफ कर लेंगे टेप लगा के। अब इसमें ये जो बीच में आप गैप देख रहे हैं इसमें आप कोई सा भी ग्लू, आप हॉट ग्लू गन का यूज भी कर सकते हैं, वो काफी इंस्टेंटली सूखता है, बट मैं यहाँ पे फेविकोल का यूज कर रहा हूँ। तो फेविकोल करना क्या है, आपको बिल्कुल एक तरफ ही लगाना है, दूसरी तरफ नहीं लगाएंगे, और जिस तरफ फेविकोल लगा रहे हैं वो वाली साइड जाएगी बैक साइड में, और जो साइड इसकी प्लेन है यानी ये वाली,
ये फ्रंट रहेगा इसका। तो भैया अब मारेंगे मच्छर, मच्छर काफी हो गया रूम में, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। स्प्रे पेंट है, स्प्रे पेंट मारेंगे। अब जितने भी हमने वो फ्रेम्स तैयार किए हैं तो उन पे स्प्रे पेंट मारेंगे। ब्लैक है ये, मैट ब्लैक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज हम किस तरीके से करने वाले हैं। गाइस इनके जो एजेस थे वो हमने जो टेप लगाई थी वो कट कर दिए हैं सीजर से, और अब ये इस तरीके से कुछ सूख के बन चुके हैं। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे ये फोटो है मेरी और सत्या भाई की, पे इस तरीके से लगेंगे, ये फ्रेम बनाएंगे हम इसका। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हैं ये थोड़े थोड़े नुकीले टाइप में हम काटेंगे, ऐसे तिरछे करके कैंची से काट देंगे, तो ऊपर से ओवरऑल जो फ्रेम का लुक है वो इस तरीके का आएगा। तो जल्दी से ये जितना भी सामान पड़ा है इसको असेंबल करते हैं। अब गाइज हम बनाएंगे दीवार पे लटकाने वाला एक हैंगिंग मटेरियल जो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इसके लिए बेसिकली हमें एक बैम्बू की ज़रूरत है, बांस की, जिसे मैंने ऑलरेडी ब्लैक मैट पेंट कर लिया है। ये रहा, इस पे जो लटकाने वाली हैंगिंग्स है वो बनाएंगे हम ऊन से, यानी जो वूल होती है ब्लैक वूल से। तो इससे अभी बनाते हैं इसकी हैंगिंग्स और फिर इसके अंदर इसको बांधेंगे। और जो फ्रेम्स हैं अभी मैंने बना लिए हैं, वो ड्राई हो रहे हैं। ये देखिए आप इस तरफ पड़े हैं, ये सारे ड्राई हो रहे हैं। अरे यार ये वूल से कभी मैंने काम किया नहीं है आज तक, और मेरे को लग रहा है उलझ रही है। तो इसका सबसे पहले रोल बना लेते हैं अपने गोल, इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। देखा हुआ है मैंने मम्मी को एक दो बार कैसे इसका रोल बनाते हैं, तो हाथ देखिए मेरे, स्प्रे पेंट मार मार के दोनों हाथ काले हुए पड़े हैं। टेक्निक काम कर रही है, काम अपने को सारे ही आते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो अपने को ना आता हो, ए टू जेड सब कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस बॉल बना लिया है हमने वूल का, और ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके के हमें सात बनाने हैं, दो मैं बना चुका हूँ, ये रहे, इस तरीके के हमें सात बनाने हैं लटकाने के लिए। और कुछ मेरे पास स्टोन्स हैं अलग अलग कलर के, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। मैं इसके ऊपर 25 राउंड इसके लगा रहा हूँ। जैसे ही 25 राउंड होंगे तो उसके बाद इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें करना ये है कि ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं इनको इकट्ठा करके आपस में बांधना है, गांठ लगानी है। जिस तरह से हमने बांधा है उसके अपोजिट साइड, यानी यहाँ से नीचे से हम बिल्कुल सेंटर से इसको कट करेंगे। दोनों तरफ से काटने के बाद ये कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा। यहाँ पे इस जगह बिल्कुल थोड़ा सा छोड़कर यहाँ से इसको बांध देंगे बिल्कुल टाइट, जिससे ऊपर ये राउंड राउंड शेप बन जाएगा। तो अब इसके अंदर हम पोलराइड वाली जो छोटी फोटोएं होती है इंस्टाग्राम टाइप की, वो छोटी छोटी प्रिंट करके यहाँ पे वन बाय वन अपनी जो मेमोरीज है वो यहाँ पे लगाते जाएंगे, और जो रिमूव करना है वो रिमूव करते जाएंगे, अपडेट चलता रहेगा। पेपर क्लिप की हेल्प से इसे लगाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इसे देख के मैंने इसे डिजाइन किया है, तो सेम यही वाला लुक यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। पहले इस फ्रेम को लेते हैं सबसे पहले, एंड ये जो आप एजेस देख रहे हैं इनको अच्छे से कट करेंगे। एक एंगल देके कट कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, जैसे यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे काट देंगे, तो ये जो शार्प एज बन रहा है ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। ऊपर से भी सेम इसी डिज़ाइन के अंदर कट करेंगे, तो ये फाइनली शार्प एजेस वाला फ्रेम कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जिन फोटोज पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं रखना है अपने को, उनको नॉर्मल कट कर रहा हूँ ताकि बाद में इनके ऊपर नजर जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये काफ़ी मैटर करती है रूम डेकोरेशन के अंदर। इस तरीके से नॉर्मल कट करेंगे एजेस को, तो इससे इस पर फोकस एकदम से इतना नहीं जाएगा जितना कि इस पर जा रहा है। ये देखिए, तो इसको मेरे को हाईलाइट करना है क्योंकि सारे कलेक्शन में सबसे अच्छी फोटो मेरे को यही लगती है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कट किया है। और बाकी जितनी भी फोटोज हैं सभी को मैं फटाफट से कट कर लेता हूँ, फिर इन्हें वॉल पे माउंट करते हैं। तो अभी ढेर लग चुका है कंप्लीट हमारे, ये इतने सारे फ्रेम्स हो गए टोटल। तो इनकी बैक साइड में आप लगाएंगे डबल साइडेड टेप ताकि इसकी हेल्प से फिर हम इन्हें वॉल पे माउंट कर सकें। We'll be right back.
ताम झाम करने के बाद सारी मेहनत का रंग ये रहा। तो जो बैक साइड की वॉल है उस पर आप देख सकते हैं, पहले कितनी खाली खाली लग रही थी, अब दोनों तरफ अच्छा फ्रेम बन रहा है अगर वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो। फ्यूचर भी आपको इसी तरह के काफी सारे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे RC17 व्लॉग्स पे। सो मेक श्योर जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेते हुए, जय हिंद, जय भारत।